गाइज हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज सूरज गड्डी 24। हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं बजाज की बाइक है, ये 400cc की बाइक है और इसका नाम है डोमिनार। आप देख सकते हैं इसका जस्ट जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है और इसकी जो टैंक पे ग्रीन कलर का इसमें काम किया गया है प्रॉपर और नीचे में सारे में ब्लैक कलर का काम किया गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसका अलॉयल की बात करें हम तो डायमंड कट अलॉयल डिज़ाइन है इसमें, आप देख सकते हो जो इसमें क्रोमिंग का काम किया गया है साइड से काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। 17 इंच के अलॉयल मिल जाएंगे इसमें आपको, मडगार्ड मिल रहा है प्रॉपर डुअल चैनल ABS है फ्रेंड्स। और अगर मैं इसके टैंक की बात करूँ तो 13 लीटर का टैंक कैपेसिटी है इसका और 400cc की बाइक है जो पावर प्रोड्यूस करती है PS, ये फ्रेंड्स 40 PS की पावर है 8800 RPM पे और जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की प्रोड्यूस करती है फ्रेंड्स इसका है 34 6500 RPM पे। लेकिन आप देख सकते हो जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी नीटली डन है ये और 17 इंच का अलॉय व्हील हो गया, डुअल बैरल एग्जॉस्ट हो गया इसमें, LED अगर मैं इसकी आपको टेल लाइट की बात करूँ तो प्रॉपर LED लाइट्स हैं, मैं भी दिखाऊँगा आपको सारा कुछ। और जिसमें फ्रंट लाइट्स है फ्रेंड वो भी आपको LED लाइट्स है, इसमें प्रॉपर LED लाइट है फ्रेंड जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। और इसका जो मडगार्ड का डिज़ाइन है ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर इस बाइक की मैं बात करूँ जिस ओवरऑल लुक की तो इस प्राइस रेंज में ये वैल्यू फॉर मनी बाइक है। अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूँ फ्रेंड्स तो ये आपको 20-25 किलोमीटर पर लीटर का देगा एवरेज जो कि बजाज क्लेम करता है इस बाइक के लिए। अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की, इसमें आपको अपसाइड डाउन इसमें आपको ये मिल रहा है सॉकर मिल रहा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये अपसाइड डाउन सॉकर है जो कि आप देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ इसके डिस्क की तो इसका जो साइज़ है डिस्क का फ्रेंड्स ये आपको बाइवरी की डिस्क है और ये 320mm की डिस्क है फ्रंट में और 230mm की डिस्क है रेयर में। डुअल चैनल ABS है, बाइवरी की ब्रेक लगी भी प्रॉपर आप देख सकते हो और डिज़ाइन वाइज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये कूलेंट है फ्रेंड्स, इंजन अगर हॉट होता है तो इसको ये ठंडा करने के लिए यहाँ पे कूलेंट दिया हुआ है मडगार्ड के साथ है। ये इसका हॉर्न हो गया प्रॉपर और डिज़ाइन मैंने दिखाया ही आपको, डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एलिगेंट लग रहा है ये। अगर मैं बात करूँ इसके गियर की तो गियर में आपको वन डाउन एंड फाइव अप है, 6 गियर है इसमें फ्रेंड्स और काफ़ी पावरफुल बाइक है ये। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो जो इन्होंने क्वालिटी दिया है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का, ये सारे फुटरेस्ट हैं चाहे वो रेयर पैसेंजर के लिए हो चाहे वो ड्राइवर के लिए हो। इसकी लेग गार्ड की भी अगर मैं बात करूँ तो छोटी सी है बट काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइन के साथ कॉम्पैक्ट है एकदम। अगर मैं बात करूँ इसके क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स की जो 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 बजाज ने दिया हुआ है तो काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है इसमें जो कि आप देख सकते हो। ये भी अगर मैं इसकी बैक साइड की बात करूँ फ्रेंड्स तो बैक साइड जो डिज़ाइन है ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो। इसमें भी आपको प्रॉपर LED लाइट्स दिए हुए हैं, टर्निंग इंडिकेटर जो ये भी इसमें LED का काम किया गया है प्रॉपर दोनों साइड जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसका लाइट, आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर LED का काम किया गया है इसमें, ये सारे आपको LED है इसमें लाइट्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे LED का काम किया गया है प्रॉपर और देखने में इसकी लुक्स को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। अगर मैं बात करूँ इसकी टेल लाइट की तो वो भी LED का काम किया गया है प्रॉपर इसमें जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इसका लाइट प्रॉपर LED है, टर्निंग इंडिकेटर सारा कुछ LED है इसमें, कुछ बल्ब का काम नहीं किया गया है इस बाइक में। बेसिकली ये जो है ये वैल्यू फॉर मनी है इस बाइक को लेना, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे भी सारा कुछ दिखाता है कि टाइम कितना हो रहा है, कितना किलोमीटर ड्रिवन है और कौन से गियर में चल रहा है। मैं आपको हल्का सा क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, आप देख सकते हैं कि इसमें सारा कुछ टाइम शो कर रहा है, कितना किलोमीटर ड्रिवन है वो आ रहा है, कौन से गियर में चल रही है वो आ रही है सारा कुछ। इस अगर मैं इसकी बात करूँ प्रॉपर डिजिटल मीटर रही है कितना किलोमीटर कितने स्पीड में चलेगी वो शो होगा यहाँ पे, कौन से गियर में वो यहाँ शो होगा, टाइमिंग शो होगा, ये RPM हो गया इसका प्रॉपर। और यहाँ से आप इसका ट्रिप सेट कर सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका ट्रिप सेट कर सकते हो, यहाँ पे बटन दिया हो गया है, यहाँ सारा कुछ ट्रिप दो बटन यहाँ पे, यहाँ से आप ट्रिप अगर मान लो आपने टाइम फुल किया कितना एवरेज निकालना है तो यहाँ से आप ट्रिप वन ट्रिप टू करके सेट कर सकते हो, टाइमिंग का भी यहाँ से सेट कर सकते हो। इसका मैं अलग से बनाऊँगा वीडियो
तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं बात करूँ उसके सारे फिट एंड फिनिशिंग की, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, मतलब हैंडिंग, मतलब आपको हैंडल बाहर रही है, ग्रिप भी काफ़ी अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ जो रबर है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। प्लस की अगर मैं बात करूँ ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, सारे लाइटिंग के साथ दिया गया है। ये इसका हाई बीम लो बीम हो गया, इवन ये हॉर्न हो गया, टर्निंग इंडिकेटर हो गया, ये पास का हो गया। और अगर इसकी बात करूँ मैं तो यहाँ पे इंजन स्टार्टिंग की स्विच है, पावर ब्रेक हो गया प्रॉपर, यहाँ पे लाइट के लिए दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट का है। अगर मैं इसके थ्रॉटल की बात करूँ, मैं आपको थ्रॉटल भी सुनाऊँगा इसका, कैसा इसका थ्रॉटल है। अगर मैं इसकी बात करूँ डिज़ाइन का, तो ये भी एक यूनिक डिज़ाइन है फ्रेंड, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी इस साइड भी आप देख सकते हो ये चीज़, तो लुक वाइज देखने में काफ़ी अच्छा है। इसका मैं अभी आपको थ्रॉटल सुनाता हूँ, थ्रॉटल भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि देखने में अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक है। आप थ्रॉटल सुन सकते हो, तो ये इसका थ्रॉटल हो गया फ्रेंड्स। और डिज़ाइन वाइज भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सारा काम जो किया है बजाज ने इस बाइक के लिए, इस बाइक पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है प्रॉपर, जो कि देखने में इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए, मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा ये वीडियो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।